तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छा पिले? तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो चलो स्टूडेंट, 9D रो पार्ट नंबर 2 वीडियो रे समस्त को वेलकम। तो पार्ट नंबर 1 वीडियो रे मु डिस्कशन करथिलि कोन पिले तुमरो जो क्वेश्चन नंबर 1 अछि ताको मु डिटेल्स रे 1 बाय 1 पूरा सब क्वेश्चन को करथिलि। आज रो वीडियो रे हमें पार्ट नंबर 2 रे देखिबा हला। तो क्वेश्चन नंबर 2 रे जो सब क्वेश्चन नंबर 2 रे जो सब क्वेश्चंस अछि ताको हमें 1 बाय 1 सॉल्व करबा, बुझबा पिले। तो देखो स्टूडेंट, बहुत सारा पिला ऑलरेडी जॉइन हो सारे, तो समस्त को फटाफट ग्रुप रे जॉइन हो जाओ, जहाद्वारा कि सब डिटेल्स तुम वीडियो नोट सब कुछ पाई है। तो जो आम 5 मंथ कोर्स अच्छे से तुम फटाफट जॉइन हो सब जिनस को तुम आराम से देखिपार, बुझिपाल पिले। तो चलो स्टूडेंट, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करवा। तो देखो पिला, जो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तो सही फर्मुला कौन पड़ो पे फर्मुला लिखिदे 1 बाय x² + a² जो फर्मूला अच्छे। तो फर्मूला कौन 1 बाय a tan inverse x by a + c फर्मूलाटा यूज हे, बुझा पे ये फर्मूला यूज हे है जी क्वेश्चन अच्छे तुम देखो है। चलो बिट बाय बिट करी करी चलिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय कौन दे पे 3x² + 7 है। तो जहाँ भी क्वेश्चन था क्वेश्चन को फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म रे कन्वर्ट कर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन पे देख 1 बाय तब कौन लिखी 3 को लिखी √3 आउ एक्स तार स्क्वायर प्लस √7 रो स्क्वायर एम स्क्वायर फॉर्म रे लिखी है। x² + a² फॉर्म रे लिखिवार अछि, बुझ पाला। तो एबे कोन करिवा, लेट √3x = नै जाओ अल्फा, यार डेरिवेटिव केते √3 कांस्टेंट, x रो 1, तो √3 dx = d alpha dx = 1/√3 d alpha। ठीक अछि, चलो तो 1/√3x गारे को कौन लिखी पिले अल्फा तार स्क्वायर प्लस √7 रो स्क्वायर। ठीक अच्छे पिले, चलो एबे आसीगला ए फॉर्म रे x² + a² आसीगला ए फॉर्म रे। तो आंसर केते हो पिले 1/a, ए होस तोमर केते √7 10 इनवर्स एक्स बाय ए, तो एक्स मीन्स अल्फा बाय ए प्लस सी। ठीक अच्छे, तो 1/√7 10 इनवर्स अल्फा रो वैल्यू केते √3x, तो √3x/√7 + c ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, बुझ पाला पिले, इजी, किसी असुविधा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आस है, बिट नंबर 2 को देख है। इंटीग्रेशन ऑफ e^4x / e^8x + 4 dx एडा देछ क्वेश्चन है। तो केमती करवा, तो देख ताको स्क्वायर फॉर्म रे लिखो ए फॉर्म रे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर जा छ से चुपचाप थाउ e^4x / e^8x तो e^8x को कौन लिखी पिले e^4x² + कौन अच्छी 4 को कौन लिखी 2 स्क्वायर। ठीक अच्छे, किसी असुविधा नहीं है। चलो पिले सब्स्टिट्यूट क्या नब या नहीं जाओ e^4x को नहीं जाओ अल्फा, तो e^4x को नहींगल अल्फा है e^4x को नहींगल अल्फा e^4x रो डेरिवेटिव e^4x * 4 dx = d alpha 4 को सेपड़ शिफ्ट कर दियो e^4x dx = 1/4 d alpha। ठीक अच्छे, तो चलो पिले e^4x dx जगह 1/4 d alpha / α² + 2 स्क्वायर 1/4 को बाहर कर दियो 1/α² + 2 स्क्वायर d alpha कौन है आसीगला। देखो x² + a² फॉर्म रे आसीगला, तो आंसर कैसे हम 1/4 था। तो यार फर्मूला कौन 1/a है, कौन अच्छे पे 1/a ए हूँ कैसे पे तुम 2 है ब्राकेट भितर जी अच्छे सी हूँ तुम ए, तो 1/a 10 इनवर्स अल्फा बाय ए प्लस सी मतलब 1/8 10 इनवर्स अल्फा, अल्फा कैसे e^4x / 2 + c बुझ पाल पे। ताले तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बिट 1 बिट 2 कंप्लीट हो गला। आई होप स्टूडेंट तुम्हें डिटेल्स रे बुझी पार्थिव। तो देखि दियो पिले तुम्हें डिटेल्स रे सब जिनस है तो गोटे देख पिले गोटे रेवल्यूशनरी तुम्हें कौन आ टोटल तुम ट्यूशन पर डिपेंडेंट हाँ पड़ोनि मुझ तुम पे तुम डिटेल्स वीडियो सब वीडियोस देवी नोट्स देवी है सिलेक्शन बिट बाय बिट तुम एलिमेंट बुक जहाँ क्वेश्चन अच्छे सब को मुझ बिट बाय बिट सब कुछ सॉल्व करी है। तुम्हें घरे बसिक आराम से किसी भी टेंशन नहीं, घरे बसिक सब वीडियोस नोट्स पाइज तुमको आ ट्यूशन पर डिपेंडेंट हाँ पड़ो ना कि अधिका खर्च कराया पड़ना ना, बुझ पाल। सिंपल मिनिमम फीस 199
₹99 रे तुम्हें पूरा एंटायर मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर पारे हला। 5 months जितकी अच्छी हमें आराम से तुम सब जिन कवर करदेवी, तुम्हें डिटेल्स सब सिलेक्शन प्रोवाइड करी है तुमको ना टेंशन रही घर बस सब जिन धड़ाधड़ कंप्लीट कर बुझा पे एक्जाम पूर्व तुम सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड करदेवी जहाँद्वारा तुमको आज किसी असुविधा रही है तो समस्त कौन पे जहाँ भी किसी असुविधा होती मैथमेटिक्स रिलेटेड कहार भी आम प्लस टू मैथमेटिक्स किसी भी असुविधा होती मत कंटाक्ट कर मुझे नंबर दे दूसरी पे 9040607886 ये नंबर में कंटाक्ट कर ओनली के पे ₹199 टोटाल 5 months कोर्स है ओनली के 199 पूरा 5 months कोर्स कंप्लीट हो डिटेल्स सब जिनस नोट्स पाइब पीडीएफ पाइब एव्रीथिंग बुझे पे पूरा डिटेल्स वन बाय वन सब क्वेश्चन प्रोवाइड कराव सल्यूशन कराव है तो तुम कौन पे जमा टेंशन ना दरकार नहीं जदि मैथमेटिक्स डरुच एवं भी तुम आराम से स्टार्ट करके बढ़िया मार्क तुम स्कोर करना तो टोटाल टेनसन नहीं ग्रुप जॉइन हो जाओ आ सब भिड को आराम से डिटेल्स देख है चल पे है तो आई होप स्टूडेंट तुम्हें नंबर को नोट डाउन कर रखी है चलो बिट वन बिट टू कम्प्लीट हो गला बिट थ्री को जी है बिट थ्री देख है तो बिट थ्री बिट कौन दे पे इंटीग्रेशन अफ डीएक्स बै कौन दे पे डीएक्स बै एक्स लन एक्स स्क्वायर प्लस 25 यहाँ क्वेश्चन है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छी तो ये एक्स अच्छे मुझे ऊपर लिखिपर वन बै एक्स क्वेश्चन टे सजे लिख है तो लन एक्स स्क्वायर प्लस 25 को लिखिपर 5 स्क्वायर सदा बेल जहाँ भी नंबर थी स्क्वायर फॉर्म में लिखो है चलो लन एक्स को नहीं जाओ अल्फा लन एक्स को नहीं गली अल्फा लन एक्स डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू d अल्फा ठीक अच्छे तो चलो देख ऊपर कौन अच्छी 1/x dx तो जगह लिख पे d अल्फा बै लन एक्स जगह अल्फा तो अल्फार स्क्वायर 5 रो स्क्वायर तो क्लीयरली देख को फॉर्म में आसीगला स्टैंडर्ड फॉर्म में आसीगला 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में तो यार फॉर्मूला कौन 1/a ए के पे तुम 5 10 इनवर्स अल्फा बै ए प्लस सी है तो फाइनाल आंसर रहा 1/5 10 इनवर्स अल्फा अल्फा के लन एक्स बै 5 प्लस सी बुझिपाल पे तो बिट वन बिट टू बिट थ्री कंप्लीट हो गला है तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर दियो तो नेक्स्ट देख पे क्वेश्चन नंबर 4 को आस है तो बिट नंबर 4 दे पे इंटीग्रेशन अफ सेक थीटा इंटु टेन थीटा डी थीटा है सेक थीटा इंटु टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय कौन दे पे तुम सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 है तो कौन कर पे जहाँ भी क्वेश्चन आस फास्ट यही फॉर्म में लिख तो ऊपर जहाँ अच्छे छाड़ दियो सेक थीटा इंटु टेन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा रो स्क्वायर तो लिख सेक थीटा रो होल स्क्वायर आउ 4 को लिख 2 रो स्क्वायर है तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या नब सेक थीटा को नहीं जाओ सब्स्टिट्यूशन है तो सेक थीटा को मुझे नहींगली अल्फा सेक थीटा डेरिवेटिव कहते सेक थीटा इंटु टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी अल्फा है चल अप्लाई करवा तो ऊपर सेक थीटा डी थीटा देख सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा ता जगह लिख डी अल्फा बै सेक थीटार स्क्वायर तो अल्फार स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर ठीक अच्छे आसीगला स्टैंडर्ड फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तेज आराम से डायरेक्ट आंसर लिख 1/a ये हूँ तुम 2 10 इनवर्स के अल्फा बै ए तो अल्फा बै ए प्लस सी तो मतलब के आंसर 1/2 टेन इनवर्स अल्फा अल्फा के पे सेक थीटा बै 2 प्लस सी कम्प्लीट है बिट 4 कम्प्लीट बिट 5 को आस है बिट 5 को आस इंटीग्रेसन अफ एक्स टू द पार 9 बै एक्स टू द पार के 20 20 को लिखिपर एक्स टू द 10 रो स्क्वायर प्लस देखिए 4 तो 4 को लिखिपर 2 रो स्क्वायर इंटु डीएक्स ठीक अच्छे चलो एक्स टू द 10 को नहीं जाओ अल्फा एक्स टू द पार 10 को मुझे नहींगली अल्फा यार डेरिवेटिव 10 एक्स टू द पार 9 है डीएक्स इज इक्वल टू डी अल्फा कौन पड़ा तुम एक्स टू द 10 फॉर्मूला 10 को सेपट को नहीं जाओ तो एक्स टू द पार 9 डीएक्स इज इक्वल टू 1/10 डी अल्फा ठीक अच्छे तो एक्स एक्स टू द पार 9 को कौन लिखी पे 1/10 डी अल्फा बै एक्स टू द 10 को लिखे अल्फा तार स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर है तो 1/10 को बाहर लिख डी अल्फा बै अल्फा स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर ठीक अच्छे तो 1/10 था डायरेक्ट फॉर्मूला कौन 1/a है तो 1/a ए के पे तुम 2 तो 1/a 10 इनवर्स एक्स बै ए मीन ये अल्फा बै ए प्लस सी तो 1/20 10 इनवर्स अल्फा के पे एक्स टू द पार 10 एक्स टू द पार 10/2 प्लस सी काम खत्म ठीक अच्छे
चलो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गला है क्वेश्चन नंबर 6 को ऐसा हला तो बिट 6 कौन दे छि पले इंटीग्रेशन ऑफ केते दे छि 3x + 4 डिवाइडेड बाय x2 + 4 केते दे छि x2 + 4 dx हला तो एई टाइप रो क्वेश्चन को कोन करियो देखो पले हला तो एक काम करो इंडिविजुअल कर दियो हला तो 3x / x2 + 4 ये गोटे पार्ट + 4 कांस्टेंट बाहर गला 1 / x2 + 4 ये गोटे पार्ट ठीक है पले तो देखो पले ठीक ट्रिक यूज करबी हला तो 3 कांस्टेंट बाहर कर दियो x / केते हला पले x2 + 4 dx हला एटा 4 था 1 / x2 + 2 रो स्क्वायर dx हला तो 3 को 3 तो देखो गोटे फार्मूला यूज करछि पले हला तो ऑलरेडी डेरिवेटिव केते बुझ देखो x2 + 4 रो डेरिवेटिव 2x त हमर गोटे फार्मूला आछि पले मु तुम बतैथले आगरु जदि f(x) / f(x) dx अछि हला जदि तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि तो कोन लिख परबे ln mod डिनोमिनेटर ln mod डिनोमिनेटर हला तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि तो ln mod तळ फंक्शन + c हला एबे देखो तळर डेरिवेटिव केते बुझ पले 2x होछि तो मु कोन करली 2 * करली 2 डिवाइड करली हला तो 3 / 2 2x / x2 + 4 dx हला ए पार्ट कथा को छ ता कथा म किछ कहि नै पर्यंत हला ताहले तुम एबे आंसर डायरेक्टली लेखि परियो पिले हला ए रूल हिसाब रे तळर डेरिवेटिव ऊपर अछि तो ln डिनोमिनेटर हला ताहले हम आराम से लेखि परिया कोन पिले 3 / 2 ln mod डिनोमिनेटर x2 + 4 हला चलो या काम खत्म 4 को 4 थाउ ये देखो को फॉर्म रे छ x2 + x2 कोन छ x2 + x2 स्टैंडर्ड फॉर्म रे छ x एकला छ माने स्टैंडर्ड फॉर्म हला तो 1 / a तो 1 / a हो छ 2 tan इनवर्स x / 2 + c तो ये काटो तो रह छ केते 2 tan इनवर्स x / 2 + c हला तो ये हला तुम्हारा फाइनल आंसर बुझ पालो पले तो बहुत ही इजी अछि तुम आराम से करि परबो हला तो फटाफट नोट डाउन करो मु लिभेबी हला तो देख परछो पहिले डिटेल्स रे 1 / 1 सब क्वेश्चन करा होउछि हला तमे बही ओपन करो तमरो देखियो एई सब क्वेश्चन ही सब अछि हला तो देखो 1 / 1 सब सॉल्व करो किछि तमको आ किछि टेंशन रहिबो नाही तमे आराम से कंप्लीट कर परियो घरे बसी हला आ जो प्ले हमने प्ले राउरकेला स्टूडेंट अछ हला तो से माने आसी कि ऑफलाइन क्लासेस मध्ये जॉइन करि परियो हला तो 9040607886 नंबर को कांटेक्ट करके से माने सी ऑफलाइन क्लासेस मध्ये जॉइन करि परियो बुझ पालो पिले तो एति गारंटी दउछि पिले तुम्हें मैथमेटिक्स को ध्यान से मार्क करो देखो ठीक है भल से ताको टाइम दियो डेली 2 2 घंटा मैथ्स को टाइम दियो देखियो 90 प्लस तुम आराम से स्कोर करि परियो हला किंतु भल से ताको टाइम दियो हला देखियो बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करि परियो हला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बिट नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ कौन दे छि dx / x2 + 6x + 13 एति दे छि हला त कोन करिया जदी कोडी भी क्वेश्चन एंथि कोन छि तोर क्वाड्रेटिक फॉर्म रे छि त कोन करिया परफेक्ट स्क्वायर करियो हला तो x2 + 6x + 13 तो x2 + 2a b केते होबो 3 + 3 रो स्क्वायर + 9 हला तापर केते हो पले - 9 + 13 हला तो एठु ने कि एति जाय तो लिख परि पले x + 3 रो होल स्क्वायर माइनस 13 रो 4 9 गला तो 4 प्लस 4 ही 4 को लिख परी 2 रो स्क्वायर हला तो इंटीग्रेशन ऑफ dx / x + 3 रो होल स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर देख परछ पले तो एटले ए क्वेश्चन देखुतला कोटा को सब्स्टिट्यूट अल्फा नबो जणा पड़नो थला एबे जणा पड़े कोटा अल्फा नबो एटा को अल्फा नबो हला तो x + 3 को ने जाओ अल्फा यार डेरिवेटिव x रो 1 3 रो 0 तो खाली 1 dx तो dx इज इक्वल टू d अल्फा हला तो d अल्फा / अल्फा रो स्क्वायर प्लस 2 रो स्क्वायर तो आसी गला स्टैंडर्ड फॉर्म रे हला ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो आंसर केते 1 / a तो मतलब 2 tan इनवर्स अल्फा / a प्लस c तो 1 / 2 tan इनवर्स अल्फा अल्फा केते नै छुबले x + 3 तो x + 3 / 2 + c हला तो ये हला तुम्हारा फाइनल आंसर ये हला तुम्हारा फाइनल आंसर हला तो फटाफट नोट डाउन कर पिले लास्ट आ गोटे क्वेश्चन रहले ताको कंप्लीट करिवा हला तो लास्ट क्वेश्चन को देखो पिले क्वेश्चन कोन दिछि सेम क्वेश्चन अछि डिनोमिनेटर सेम अछि खाली न्यूमरेटर रे x + 5 अछि हला तो बिट नंबर 8 हला इंटीग्रेशन ऑफ कोन दिछि x + 5 डिवाइडेड बाय के दिछि पिले x² + 6x + 13 हला ताको कोन करिया देखो पिले हला टी ध्यान से देखो पिले तळर डेरिवेटिव केते 2x + 6 केते 2x + 6 तो मु कोन करू छी हला 2 * करू छी हला
टू डिवाइड करूँ है आ तले जहाँ अच्छी आज इट इज लेख है देख कहते प्रपर प्लानिंग सल्व कर तो वन बै टू है तो इंटीग्रेशन अफ एटा के पे टू एक्स प्लस के टेन बै एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टिन डीएक्स है तो वन बै टू इंटीग्रेशन अफ टू एक्स प्लस टेन को लिख पारि सिक्स प्लस फोर आराम से लिख पारि इंडिविजुआल कर दियो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टिन बै एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टिन तो ये गोटे पार्ट आउ ये गोटे पार्ट है दुटा को कौन करदे अलग अलग करदे है तो वन बै टू इंटीग्रेशन अफ टू एक्स प्लस सिक्स बै एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टिन ये गोटे पार्ट प्लस वन बै टू ये मल्टीप्लाय है टू कटिजी तो टू वन बै एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टिन डीएक्स है ये देख पे यार आंसर तुम करेट है क्वेश्चन रनसर है ये क्वेश्चन रनसर है ये क्वेश्चन कर तुम्हें देख वन बै एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स यहाँ हूँ तुम आंसर है अच्छे ना पे देख टूटा को कन्स्टाट को सैड कर दि तो आंसर कौन है तो ये आंसर कौन यहाँ तुम डायरेक्ट लिख दूँ यार आंसर के वन बै टू देख तलर डेरिवेटिव ऊपर अच्छी एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव टू एक्स सिक्स एक्स रिक्स तो तलर डेरिवेटिव ऊपर थे लॉन मॉड तलटा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टिन प्लस टू आउ यही पूरा पार्टर आंसर ये क्वेश्चन कराई तो यहाँ हूँ आंसर तो कैसे वन बै टू टेन इनवर्स के एक्स प्लस थ्री बै टू के एक्स प्लस थ्री बै टू प्लस सी है तो टू टू कटिगला बुझिपाल पे तो ये तुम फाइनाल आंसर है तो फाइनाल आंसर के वन बै टू लॉन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टिन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टिन प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस थ्री बै टू प्लस सी है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझीपार है तो मुझे डिटेल्स सब बीट क्वेश्चन करेली बुझिपाल पे सब बीट क्वेश्चन तुम करी है तो टोटाल से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सब चैप्टर तुम डिटेल्स पीडीएफ सॉल्यूशन भी पाइब नोट्स भी पाइब आउ वीडियो लेक्चर भी पाइब है तुमको आउ टोटाली किसी टेंशन रही तुम डाउट क्लीयरिंग क्लास प्रोवाइड कराव है तो टोटाल कैसे पे कोर्स फी 199 रुपीज के पे ओनली 199 रुपीज है तो फटाफट यही नंबर में कंटाक्ट कर यही नंबर में कंटाक्ट करके तुम फटाफट ग्रुप रे तुम रजिस्टर कर दियो जहाद्वारा कि यही नंबर में कंटाक्ट करके तुम यही नंबर तुम फोन कर फोन करके तुम यही 199 पे कला तुमको ग्रुप रे जॉइन कर दिया है जहाद्वारा तुमको सब जिनस पीडीएफ नोट से ही प्रोवाइड कर दिया है तुम घर बस विदिन फाइव मंथ भितर देखियो फटाफट सब कोर्स कंप्लीट होगा तो आउ तुमको ट्यूशन उपर डिपेंडेंट रहा पड़ना ना कि हजार हजार टाँग खर्च कराया पड़ेगा बुझे पे तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।